आपके हर रोज लिए हुए हर एक सिद्धांत ही आपको आपके फील्ड के नायक बनने में मदद करेगा। आपको आपके अंदर की एनर्जी लेवल को बढ़ाने में गौर करते जाना होगा। सोचो आप तब कैसा महसूस करोगे जब आप सब कुछ अपने एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड पाओगे और सबको गलत साबित कर दोगे। आप अपने हर एक सपनों को वास्तव में तब्दील तभी कर सकते हो जब आप काम करने के लिए कमिटमेंट करते हो। अब मैं आपको ऐसे कुछ स्टेप लेने के बारे में कहने जा रहा हूँ जो आप अगर लेंगे तो फिर आप अपने जीवन से जो कुछ भी चाहते हो वो ही पाओगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप जो भी बनना चाहते हो वो भी बन सकते हो। आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करते जाना होगा और सिर्फ यही नहीं आपको पूरे कमिटमेंट के साथ एक्शन लेना होगा और तब तक लड़ते जाना होगा जब तक ना आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। आपको नए नए चीजों को करना होगा, आपको अलग रास्ता ढूंढ कर निकालना होगा और कभी भी हार नहीं मानना होगा। सिर्फ एक ही चीज जिससे फर्क पड़ता है वो है कि आप बेटर बनते जा रहे हो कि नहीं। आप सब कुछ तभी कर पाओगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे और अपने काम पर कॉन्सिस्टेंट एक्शन लेते जाओगे। बहुत सारे लोग बस ये सलाह ले रहे हैं कि वो कैसे मुश्किल परिस्थितियों से निकलेंगे और सफल बनेंगे, पर ज्यादातर लोगों से जो भी जवाब मिले वो बस यही एक्सक्यूज ढूंढते रहती है। वो बस इस सोच के साथ ही अपने जिंदगी को बिता देते हैं कि इस वजह से मैंने ये नहीं कर पाया। ऐसा मानसिकता के साथ वो बस यही चाहती है कुछ मैजिक हो जाए, और वो अगर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो फिर तो एक एक्सक्यूज तैयार है ही। अब आप सीरियसली सोचो कि आपके लक्ष्य आपसे क्या मांग कर रहा है। अपने ऊपर बस काम करते जाओ। सफल बनने के लिए यही चीज मैटर करता है। आप अगर अपने पर्पस को नहीं जानते हो तो फिर अपने ऊपर काम करो, तो फिर आपके पर्पस आपके सामने धीरे धीरे वैसे ही चली आएगी। आप जब ग्रो कर जाओगे आप बस उसे वैसे ही समझ जाओगे। आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली ग्रो और डेवलप करना होगा। हर दिन अपने अंदर उन सारे चीजों से भर कर रखो जो आपको इम्प्रूव करे। अपने स्किल्स को, अपने माइंडसेट को डेवलप करो। अपने लक्ष्य प्राप्ति के खेल में उतर जाओ और ये जान लो कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। हर कोई अगर आप पर संदेह करे तो फिर उस पर ध्यान ना देकर बस चलते चलो। जब आप अपने आप को ग्रो करोगे और वो शख्स बनोगे जो आप बनना चाहते हो, तो फिर आप ये समझोगे कि लोगों की ओपिनियन की कोई भी कीमत नहीं है। अपने रिजल्ट से सबको चुप करा दो। जब आप अपने आप को डेवलप करोगे तो फिर आप ये जानोगे कि आपके लिए क्या क्या मैटर करता है। जब आप अपने पर्पस को जानोगे कि क्यों आपको अपने लक्ष्य को पाना ही है, तो फिर आपको फोकस करने में कोई भी समस्या नहीं होगा। नए नए चीजें जब आप करते जाओगे उससे अगर कुछ भी हो या फिर ना हो, आप जरूर नया कुछ सीखोगे।